ही मैं बेडी क्वीन साहू वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ कैसे आप लोग आई अली होप आप सब बढ़िया होंगे सो गाइज़ आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ न्यू लॉन्चेस ऑफ कफ्स एंड लैस कप्स एंड लैशे जो ब्रांड है वो ओन करता है बाय मिस निधि कट्यार एंड चीज़ें यूट्यूब पर आर उनकी कंटेंट चेक करते हैं बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियोज़ बनाती है वो भी एंड उनका जो ब्रांड है कफ्स एंड लैशेज वो अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली ऑन पर्पल आप वहाँ से बाय कर सकते हैं सो मैंने उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज यहाँ पर यूज़ करके वाला मेकअप लोक क्लिट करा है एंड थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी दूंगी मैं उनके बारे में सो लेट्स टूडेज वीडियो एंड आई रियली होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा एंड ये मेकअप लुक भी अच्छा लग रहा होगा मैंने वही मेकअप लुक ये जो आई है उनका रिसेंट लॉन्च है सो मैंने उससे ये अला मेकअप लुक क्रिएट करा है सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं कैसे ये फर्स्ट मतलब इनके जो लॉन्चेज है मेरे लिए फर्स्ट इंप्रेशन है सो लेट्स बिगिन गाइज सो गाइज दिस इज दफ्सल लैशेज सीरम प्राइमर हाइड्रेट एंड स्मूथ एंड आपको इट्स मिल रही क्वान्टिटी इसकी ट्वेंटी एम एल की एंड इसमें ना दो वेरियट्स अवेलेबल हैं एक आपको मिल जाएगा प्राइमर प्राइमर वाला एंड जो सीरम प्राइमर ये वाला है एंड एक है प्राइमर ऑयल दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन एंड ये ना आपको मिल जाएगा रुपीज़ फोर फिफ्टी रुपीज़ का है एंड ये आपको भी मिल जाएगा थ्री नंड्रेन रुपीज़ में

इसका जो टेक्सचर है ना बहुत अच्छा लगा मुझे ना ही आप ज़्यादा इसे ऑयल में बोल सकते हो ना ही आप इसे चिप चवा बोल सकते हो बट मुझे अच्छा लगा इसकी क्वालिटी एंड इसकी जो टेक्स्चर है वो भी अच्छा है सो so मैं इसका ना मुझे uh, ड्रॉबैक ही लगा इसका ड्रॉपर बिल्कुल भी, भी अच्छा नहीं था बिकॉज अच्छे से ना आपका जो ना सीरम है वो अच्छे से ड्रॉप नहीं हो मेरे फेस पर बट मुझे इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बट इनको थोड़ी सी पैकेजिंग में इनको ध्यान देना चाहिए था बट और ऑल द वे इसका प्रोडक्ट अच्छा था ओके नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कफसल नैशेस परफेक्ट फिनिश प्रेस्ड पाउडर विथ एस पी एफ फिफ्टीन अप टू एट आवर्स ऑयल कंट्रोल एंड इसके इंक्रीज आ रहे हैं मैंशन है कफ एंड लैशिज कॉम्पैक्ट पाउडर मेल्स इन टू योर स्किन टू मास्क इन परफेक्शन टू ब्रिंक आउट योर अमेजिंग स्किन

इसका जो प्राइस है दैट इज़ रुपीज़ टू फिफ्टी बट आपको मिल जाएगा टू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में एंड इट इज़ अवेलेबल इन टेन शेड्स का सिक्सटीन ग्राम की कॉलिटी मिल रही है एंड रुपीज़ टू फिफ्टी में बहुत अच्छा है एंड मुझे इसका ना शेड्स भी बहुत अच्छी लगी है मेरे को आपको ना इसमें सारे स्किन टोन के शेड्स मिल जाएंगे इंडियन स्किन टोन के सो so गाइस जब मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पे इनकी न्यूली लॉन्च ब्रशेस भी यूज़ करूँगी इन्हें कुछ एड uh, ऑन करे हैं ब्रशेस सो दिस इज द कफ्स एंड लैशेस एफ ट्वेंटी ब्रश दिस इज द पाउडर स्वीप ब्रश इज़ली आप इसे ना पाउडर अप्लाई कर सकते हो अंडर आई में आपको अंडर आई में बेक करना हो तो उससे यूज कर सकते हो सो so, आप मैं आपको अप्लाई करके कर दिखाऊंगी सो आप देख सकते हो मैंने कॉम्पैक्ट भी लिया है ब्रश भी ले लिया है सो so, इजीली ना uh, एक तो ग्लाइड हो रहा था कॉम्पैक्ट एंड अच्छे से बहुत अच्छे से लग रहा था एंड जो पाउडर जो इसका ब्रश था ना वो भी मुझे अच्छा लगा पाउडर स्वीप ब्रश एक तो स्मॉल था तो अच्छे से एरियाज में जा रहा था एंड जो कॉम्पैक्ट है मेरा परफेक्ट शेड है एंड माई शेड वॉज ओके, okay. so, मैं आपको अपना शीट बता दूं। माई शीट वॉज जीरो थ्री फेयर मेरा शीट नंबर था एंड इसमें टेन शीट अवेलेबल हैं आपको अपना शीट जरूर मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट इज द शाइसेल पैलेट रिसेंटली ये शाई um, स्टाइल जो है साइमा एंड निधि कटियार इन्होंने को करा था एंड दिस इज द ट्वेल्व कलर मिनी पैलेट एंड माई शेड इज सिटिक सिटे मेरा शीट है एंड इट इज़ अवेलेबल इन सेवन शेड्स एंड इसका जो प्राइस है दैट इज रुपीज़ थ्री नाइन नाइन बट आपको मिल जाएगा थ्री फिफ्टी नाइन रुपीज़ में एनी टेप चल जाएगा आपका ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी फाइव तक एंड uh, इसमें ना आपको ईजिली uh, ना आप इसे पर्बल डॉट कॉम से बाय कर सकते हैं सो so मुझे बहुत अच्छा लगा इनके पैलेट एक तो बहुत कन्वीनियंट है इसमें सेवन शीड्स अवेलेबल हैं शिमट्स वाले भी हैं इसमें मैट वाले भी हैं आप देख सकते हैं इसमें तीन चार पाँच छः आपको मिल जाएंगे मैट एंड बाकी आपको मिलेंगे शिमर सो दिज आर ऑल द ट्वेल्व शेड्स ऑफ वाले सो so, आप ना इसमें न्यूज वाले भी ले सकते हो येलो वाले भी बहुत सारे अवेलेबल हैं आप जाके पोपल डॉट कॉम से चेक कर सकते हो एंड जो मैं फर्स्ट ब्रश यूज़ करूँगी यहाँ पे दिस इज द ई टेंज फॉर द आई मेकअप सो दिस इज दिस प्रिस ब्लेंडिंग ब्रश सो अगर आपको ना uh, बहुत ज़्यादा ही प्रसिजियस मतलब एक एक साइड पे ही ब्लेंडिंग करना हो या अगर आपको स्मॉल एरिया पे काम करना हो तो इसके लिए ब्रश काम आता है अगर आपकी हेलो आइज है मतलब आपकी थोड़ी स्मॉल आइज़ है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी एक मॉफ शेड लूँगी यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन शेड ब्राउन और मॉफ सा शेड है यहाँ पे सो मैंने उस शेड को लेकर अपने आउटर ऑफ व्यू पर अपलाई करा है एंड उसे ब्लैंड करा सिर्फ उसी एरिया पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसे फैलाना नहीं है एंड आप देख सकते हैं उसी एरिया पर ब्लेंड हुआ है सो मुझे ये वाला ब्रश बहुत अच्छा लगा एंड इसकी पिगमेंटेशन जो है आइशरू की मुझे वो भी अच्छी लगी है अब मैं यूज़ करूँगी ईलेवन शेड नंबर सो दिस दिस इज़ अ ब्रश एंड दिस इज़ अ स्मॉल आई आई शेड ब्लैंडिंग ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश है सो अगर आपको स्मॉल आई है आपकी उस पर आप यूज़ कर सकते हो वाला ब्लेंडिंग ब्रश सो मुझे इसके ना एक तो ब्रशेज़ के ब्रिसल्स में बहुत अच्छे लगे हैं एंड ये वॉश भी घर चुकी हुए हैं सो मुझे वो भी अच्छे लगे हैं एंड मैं क्या करूँगी इसमें मैं पिंक शेड लूँगी एंड उसे डस्ट ऑफ करके अपने ऑल द वे थोड़ा सा क्रीज क्रिस्प अप्लाई करूंगी बिकॉज थोड़ा सा डार्क करके अप्लाई करूंगी एंड ये ब्रश बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा था मेरे आई शेडो को आई शेड भी बहुत अच्छा है बहुत पिगमेंटेड है सो मुझे ये दोनों ब्रशेज एंड आई शेड दोनों अच्छे लगे एंड अब मैं क्या करूंगी आप एक पेमेंट लूंगी ये है सिल्वर कलर का लगा, सो मैं इसे पैड कर लूंगी विद हेल्प ऑफ माई हैंड्स हैंड्स इजिली अप्लाई हो गया तो मेरे एंड पिगमेंट अच्छे से प्रेस ग्लेटर था आइए अच्छे से अप्लाई हो गया हम देख सकते हैं ग्लिटर कितना तो अच्छे से अप्लाई हो गया एंड आई मेकअप इज कम्प्लीट ओके नाउ वी विल यूजिंग द ई ट ब्रश नंबर सो दिस इज द कफ्स एंड लैशेज फाइन लाइनर ब्रश ये बिल्कुल पतला सा ब्रश है अगर आपको लाइनर अप्लाई करना है एंड ना बिल्कुल पतला सा लाइनर लग जाता है सो so, मैंने क्या कर रहा था यहाँ पे लिक्विड लाइनर ले लिया था अपना इसी ब्रश में एंड इजिली ना बहुत अच्छे से लाइनर अप्लाई होगा तो आप डेफिनेटली ये वाला ब्रश तो आप ले सकते हैं नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द फेस पैलेट सो दिस इज द कॉन्टोर पैलेट दिस इज दफ्ल्ट एंड चिजल बाई योर फॉर एवर निधि सो इसका जो प्राइस है गाइस दैट इज़ रुपीज़ आपको मिल जाएगा ये एट फोटी नाइन रुपीज़ का बट अभी मिल जाएगा आपको रुपीज़ सेवन सेवेंटी फाइव रुपीज़ का एंड जितने भी प्राइस ना मेंशन कर दूँगी मैं ब्रशेस के भी सारे जिसमें आपको मिल रहे हैं एट शेड्स ऑफ कॉन्टोर के पैलेट मतलब एट शेड्स मिल रहे हैं एंड दीज आर ऑल द शेड्स अगर आपके अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन में हो मीडियम टू रेस्किन टोन में आपको सारी चीज़ आपको अवेलेबल हैं इंडियन स्किन टोन के हिसाब से मुझे इनकी ना कॉन्टोर पैलेट बहुत अच्छी लगी एंड मैंने बहुत लोगों रिकमेंड भी करी ये वाली पैलेट सब डिफिनिटली बाई कर सकते हैं जब मैंने इसे यूज़ करा था वो भी मुझे अच्छा लगा है सो वाइज फर्स्ट मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी दिस इज द एफ ट्वेंटी फाइव ब्रश एंड दिस इज़ द बिग ब्रॉजा कॉन्टोर ब्रश एंड ये इजिली ना एक तो कॉन्ट्रोल ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इन्हें दो लॉन्च करे एक बड़ा वाला एक छोटा वाला तो जिससे बिग कॉन्ट्रोल ब्रश जिससे कि आप इजीली अपने चिजल्ड एरिया पे कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे शेड लिया है ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों शेड लेके मिला के, के अपना शेड बनाया है एंड देन मैं इसे कंट्रोल करूँगी ईजी ना एक तो ये आपकी फेस पे अच्छे से ना ब्राउन सा अफेक्ट दे रहा था एक तो मुझे जिसकी शेड इन अच्छी लगी है जो ब्रश था ना इस ब्रश भी बहुत अच्छा था इजिली ब्लेंड हो रहा था बहुत अच्छी लगी मुझे इस ब्रश की सब ट्राई आउट कर सकते हैं नेक्स्ट ब्रश इज दिस इज द एफ ट्वेंटी ब्रश ए सॉरी दिस इज़ द एफ ट्वेंटी सिक्स ब्रश एंड दिस इज़ द स्मॉल ब्रॉन्जा कंट्रोल ब्रश एंड सो आप इससे क्या ना कर सकते हैं अपनी ना नोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज नोज़ एरिया पे क्या होता है आपके बिग ब्रशेस नहीं जाते हैं सो so अब इसके लिए स्मॉलर वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे दो शेज लिखे अपने नोज़ को चीज अलाउड कराया हम दिख सकते हैं इजीली ना नोज़ पर यहाँ इजिली चला जाता है वाला ब्रश एंड थोड़ा सा थोड़ थोड़ स्मॉल एरियज पर का का काम करना हो तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो एंड इसकी पिगमेंडिश बहुत अच्छी है इस वाले पैलेट की आप डिफ्रीट ट्राई कर सकते हैं नाउ वी विल भी टॉकिंग अबाउट द कफ्स एंड लाशेज जस्ट से चीज़ बाई बाई Yours, forever, nidhi uh, this is इज blush पैलेट सो ब्लश पैलेट आपको मिल जाएगा एट नाइन नाइन रुपीज में नाइन हंड्रेड रुपीज का है बट अभी आपको मिल जाएगा सेवन हंड्रेड रुपीज में सो so चेकआउट कर सकते हैं है, आप आपको इसके सारे चीज अवेलेबल दिखा दूँगी। so फर्स्ट में मैंने यहाँ पे ओपन करा यहाँ पे भी ऑलरेडी शेड्स एट शेड से पर ये ना जो पैन था वो ऑलरेडी मुझे टूटा रिसीव हुआ था बट देन मैंने इसे वापस नहीं करा सो मैंने ना इसे टूटा रिसीव था तो मैंने अलग से इसे पैन में रख लिया था सो आप देख सकते हैं ऑल द शेड्स वहाँ पर मतलब सारे शेड्स अवेलेबल हैं पीच से लेके पिंक ऑरेंज सारे टोन अवेलेबल हैं तो मुझे ये इनकी ना ब्लश वर भी बहुत अच्छा लगा इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी सो दिस ब्रश इज़ नेक्स्ट एफ सिक्सटीन ब्रश है एंड दिस इज़ द स्मॉल ब्लश पाउडर ब्रश आप इससे ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप इससे पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं सो so, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ब्लश सो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है सो so, मैंने यहाँ पे यूज़ करा ही दोनों कलर को मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी ब्लश एंड दो जो ब्लश जो वाला ब्रश था ना बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था एंड ये मुझे अच्छा लगा ब्रश तो देख सकते हैं पिगमेंट की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इस ब्रश की एंड इस ब्रश भी मुझे अच्छा लगा दोनों चीज़ें अच्छी लगी हैं नाउली टॉकिंग अबाउट यर न्यू लॉन्च दिस इज इट्स डू इन की मैंने दो शीट अवेलेबल मैंने दो शीट्स लिए थे यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट शीट है दैट जीरो थ्री प्लस पी एल एस सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट इज जीरो फोर खा कैट फैम एंड फाइव एम एल की क्वान्टिटी मिल रही है आपको एंड इसके इसमें आपको सेवन शेड्स मिल जाएंगे एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ रुपीज़ थ्री नाइन एंड चार सौ रुपये का है एंड आपको मिल जाएगा थ्री फिफ्टी नाइन रुपीज़ में सो so, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही ये वाला शेड लगाने के लिए जीरो uh, थ्री शेड अपलाई करूँगी मैं वैसे तो एंड ये थोड़ा पीच एन डो में है ये वाला शेड एंड ये ना फे टू मिनिमस्टर वाले चला जाएगा ये वाला शेट. लिक्विड ब्रशेज़ अपना इजीली ब्यूटी से अप्लाई कर सकते हो तो मैं यहाँ पे uh, पोपल वाला अप्लाई करूँगी तो so, मैंने यहाँ पे लिया है uh, डायरेक्ट अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द यहाँ uh, पे जो उनका वो दिया है um, एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है एंड बहुत अच्छी ब्लैंड हो गया एंड इट इज़ क्रीमी ब्लैंडबल है लाइट वेट है एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है एंड इट इज क्रुएल्टी फ्री एंड हंड्रेड परसेंट मिनरल फ्री है एंड इट इज ड्यूई फिनिश देता है अब मैं यूज़ करके दिखाऊंगी आपको ये वाला ब्रश दिस इज द हाइलाइटर ब्रश सो दिस इज द एफ ट्वेंटी थ्री ब्रश एंड इज इज दाईलाइटर ब्रश हाइलाइटर ब्रश थोड़ा डिफरेंट है ये वाला ब्रश एंड ये ना आपको होला ब्राउनजर में जो ब्राउनजर वाला जो मिलता है हाँ ना हाइलाइटर बिल्कुल वैसा वाला उसका वो है ब्रश तो मुझे वाला हाँ ब्रश बहुत तो ज़्यादा लगता है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं मतलब ब्रश तो मुझे बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगा है बिकॉज़ फैन ब्रश से ना कभी कभी अप्लाई नहीं होता है ओके नेक्स्ट ब्रश दिस इज़ द एल जीरो वन एंड दिस इज़ अ लिप फिलर ब्रश बेसिकली इसमें आपको पतली से पॉइंटेड टिप दी है जिससे कि आप अपने इनाकॉन को भी फिल कर सकते हो आप पतला सा रहना भी क्लिट कर सकते हो आप अपने लिप्स को पहले क्यूब्स को बुक अपना बनाइए देन अपने लिप्स को फिल कर सकते हैं इससे ना बहुत अच्छे से आपकी लाइन फिल होती है एंड आपके लिप्स फुलर लगते हैं सो तो मैंने यही टेक्निक अप्लाई करी है आप देख सकते हैं मेरे लिप्स के फुल रहना अच्छे लग रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीट मेकअप लुक गाइस एड रीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ इन्जॉय द बीटी शॉर्ट स्काइस the ice behind my stone cold eyes i turn the ashes but only jealous sometimes inhale your smoke but you still act surprised it's not my fault when we end up capsized you call me crazy now कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो आई रियली हो आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो एंड एमक आप लोग भी अच्छा लगा होगा जो मैंने ट्वीट करा रहे? रहे? है यूजिंग आपसे लैसेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अगर आप लोग अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट्स बाय करना है तो आप लोग एक्सक्लूसिवली पब्लिक डॉट कॉम से बाय कर सकते हैं मैं उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं एंड टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस लव यू गाइस बाय गाइस स्टे